नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल आरके लव टीचर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बर्थडे के लिए बहुत सारा ग्रीटिंग कार्ड और फोटो फ्रेम बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड और फोटो फ्रेम बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है नेम ऑन बर्थडे केक। क्या सर्च करना है? नेम ऑन बर्थडे केक। तो सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो ऐप्स है वो आगे होकर में यहाँ पे देखिए नेम ऑन बर्थडे केक, इसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर ये ऐप आपको आसानी से नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेंगे। देखिए अब ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। नेम ऑन केक, फोटो ऑन केक, वीडियो मेकर, ये सब वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले से, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ नंबर में ग्रेटिंग का ऑप्शन दिया है, उसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारा ग्रेटिंग कार्ड आ गया है। तो इसमें किसी एक में मैं आपको ग्रेटिंग कार्ड में नेम वगैरह लिख के बता देता हूँ। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से जिसका भी बर्थडे है उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसमें आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और यहाँ ऊपर में देखिए ये डन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, जितना भी है जो भी जिस साइज का चाहते हैं उस साइज का एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में हैप्पी बर्थडे टाइप करके व्हाट्सअप कर देते हैं या फेसबुक वगैरह हम कर देते हैं। तो उसके जगह में आपको क्या करना है, आपको ऐसा ग्रेटिंग बना के अगर आप सेंड करेंगे तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा जिसका बर्थडे रहेगा। तो इस तरीके से ग्रेटिंग कार्ड बना के आप सेंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में देखिए सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स आ चुका है। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में या फिर मैसेज वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो इस साइड में जो ऑप्शन है लास्ट में उसको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स आ गया है यहाँ पे भी। अब इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी टू लिखा है, इसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आप गैलरी में सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लासिक फ्रेम लिखा है, इसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत सारा फोटो फ्रेम आ गया है। तो यहाँ पे आप जिसका भी बर्थडे है उसका फ़ोटो इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए किसी एक में फ़ोटो लगा के देख लेते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन आ गया है। तो गैलरी को जैसे ओपन करेंगे हमारा गैलरी का फोटो आ जाएगा। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा गैलरी ओपन हो चुका है, इसमें फोटो आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा बिल्कुल इस तरीके से। तो जिसका भी बर्थडे रहेगा उसका फोटो भी इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड के साथ में फिर फ्रेम में। तो बिल्कुल इस तरीके से आप बना के किसी का भी बर्थडे विश करते हैं, उसको सेंड करते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से देखिए। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे, वही प्रोसेस से इसको हम गैलरी में सेव कर लेंगे। तो आप इस तरीके से फोटो फ्रेम और ग्रेटिंग बना के किसी का भी बर्थडे उसको सेंड कर सकते हैं और उनका जो बर्थडे है उसको काफ़ी स्पेशल और ख़ास बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा उसको इंस्टा के थ्रू बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।